लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लगता है कहीं आग लगी है। हाँ, आग तो लगी है। गाड़ी चलाने वाले मंजुनाथ के पेट में लगी है। पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसलिए सायरन बजाते हुए घर आ रहा है। ये अगर घंटी बजाकर सरकार और लोगों को डराएगा तो हम क्या कर सकते हैं। इसके चक्कर में मैं भी डर गया और इधर भागा चला आया। छह, बहुत दुखी हो गया हूँ मैं। ये लो, आग नहीं लगी ना, इसलिए इनको दुख हो रहा है। आज तुम सब इतने उदास क्यों लग रहे हो? देखिए, दुनिया की सभी माएं खुश होती हैं जब उनका बेटा जेल से छुटकर आता है, लेकिन मैं कैसे खुश हूँ? अगर तुम्हारा बेटा सोचता है कि वो इस घर में रह सकता है तो वो गलत सोचता है। उसने जिसका मर्डर किया है वो मेरी बेटी का पति था। मैं कभी विश्वास नहीं कर सकती कि ये काम उसने अकेले किया होगा। एक माँ का दर्द आप क्या जानो? उसे 35 साल पहले जन्म देने के बाद भी अगर अभी तक तुम्हारे पेट का दर्द नहीं गया है तो तुम्हें अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है। जो होना था वो अब हो गया है। मैं अपने भैया को खोना नहीं चाहती। ओहो, तुम्हें विधवा बना दिया फिर भी तुम्हें उससे लगाव है। देखो, तुम दोनों कुछ भी कह लो, मैं उसे इस घर के अंदर आने नहीं दूंगा। ये सब क्या है? अभी तक आप लोगों का झगड़ा खत्म नहीं हुआ। ओह, सिस्टर मार्गरेट, आइए बैठिए। सिस्टर, आज चर्च में कुछ खास है क्या? अगला डायलॉग क्या है दादाजी? अनाथ आश्रम के डोनेशन के लिए मैं आपसे कुछ पैसे लेने आई हूँ यहाँ पर। ये है तुम्हारा नेक्स्ट डायलॉग। मुझे ये नन का रोल नहीं करना है दादाजी। दीदी का मैरी वाला रोल मैं करूँगी, ठीक है? नहीं नहीं, दादाजी ने मुझे ये रोल दिया है। हाँ। दोनों ही रोल बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों का सालों पुराना झगड़ा फिर से शुरू हो गया। अब अगली प्रॉब्लम होगी मंजुनाथ की। देखना, आते ही मुझसे कहेगी कि मुझे मेन रोल दे दो। दादाजी, अब आप ऐसा मत कहिए प्लीज। मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा एक्टर है। इस ट्रूप में उसे शामिल करके हमने एहसान किया था उस पर, लेकिन वो एक्टिंग अच्छा करता है। इस नए ड्रामा के बारे में आपने उसे बताया तो है ना दादाजी? देखो, फायर फोर्स इमरजेंसी सर्विस में आती है। मैं नहीं चाहता कि वो इस ड्रामा के लिए छुट्टी ले।
घरेलू बातें अब बंद करो और तुम सब अपने डायलॉग की प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारा पति इधर आया ना तो मैं उसे मार डालूंगा, समझी? उसके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया। उस ऑटो ड्राइवर सुगु के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? मैं पूछ रहा हूँ, उस सुगु के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वो हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम हमारे परिवार की बेइज्जती कर रही हो, ये मत भूल जाना तुम। पर मैं उसे भूल नहीं सकती। पर तुम्हें भूलना पड़ेगा, किसी भी हाल में भूलना पड़ेगा। इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। नहीं दादाजी, ये मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं भूल सकती? उसका बच्चा मेरी कोख में पल रहा है, उसे भूलने के लिए मुझे मत कहिए दादाजी। धोखेबाज, तू इतने दिनों से मुझे धोखा दे रही थी, मैं तुझे मार रहा। दादाजी आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। अरे तुम क्या समझ रहे हो, ये तो हमारे नए ड्रामा का डायलॉग बोल रही है। हे भगवान, अच्छा ड्रामा लगा रखा है इन लोगों ने। बाप रे, आपने मेरी दीदी पर शक किया, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे किसी ने बताया नहीं कि वो नए ड्रामे का डायलॉग था। दादाजी, पिछले साल की तरह आप भी इस साल ड्रामा करने वाले हैं क्या? सिर्फ इस साल ही नहीं है? पिछले 23 साल से हमारा ट्रूप हर साल ड्रामा करता आया है। अगर इस साल मैंने ड्रामा नहीं किया तो मेरे फैंस मेरे बारे में क्या समझेंगे? लोग कहेंगे कि चलो अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि पिछले साल आपने जो ड्रामा किया था वो जरूरत से ज्यादा बोरिंग था। पिछले 23 साल से हमारा ग्रुप ड्रामा करता आ रहा है, अगर इस साल हमने ड्रामा नहीं किया तो फैंस क्या सोचेंगे? तो फिर मैं इस जंगली सुअर का क्या करूं? जंगली सुअर? हाँ, हमारे ड्रामा का नाम जंगली सुअर है। तो आप उसे जंगल में ले जाइए और छोड़ दीजिए, वही अच्छा होगा। थोड़ा और सांभर दो ना। हाँ ठीक है, तुमने इसमें कितनी सारी ड्रम स्टिक्स डाल दी। आप मेरे अंकल से मदद लीजिए ना, इसमें क्या गलत बात है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। ट्रेन से टकरा कर दो लोगों की मौत, 25 लोग घायल। फादर, हाँ? क्या आप मेरी माँ से कह देंगे कि वो भी मुझे मेरे दादाजी के घर ले जाए? हाँ हाँ जरूर, मैं बिल्कुल कह दूंगा। तुम अपनी माँ को बुला। माँ? हाँ? आपको फादर बुला रहे हैं। इधर आओ। हॉस्पिटल में दादाजी से मिलते समय इसे साथ लेकर जाना। ये उधर शांत नहीं रहेगी, आप समझते क्यों नहीं है? ये सब तुमने ही कहा ना उनसे कहने के लिए। तुम्हारा पति अब ठीक से काम कर रहा है ना? हमेशा की तरह शराब पीकर बेहोश पड़ा रहता है। जब दादाजी बीमार थे तब मुझे बहुत परेशानी हुई, अब उनकी तबीयत काफी ठीक है और उन्होंने ही मुझे हिम्मत दी। क्या वो ठीक तो हो जाएंगे ना फादर? मैं आज डॉक्टर से मिलता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। ये सर्विस मेरी तरफ से सभी पेशेंट्स के लिए है। हमें इनके लिए फंड्स जमा करने होंगे, इसी के लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। आपके परिवार के सभी लोग एक ड्रामा ट्रूप से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपके बॉस ने मुझे यहाँ भेजा है। हमारा जंगली सुअर ड्रामा पूरी तरह से तैयार हो गया है, हम वो कर सकते हैं। दादाजी का ये जंगली सुअर ड्रामा तो जंगल में ही करना होगा। इसमें सोशल ड्रामा नहीं चलेगा, हम बाइबल से कहानी लेकर ड्रामा करेंगे। मैंने सोचा था कि हम एक लाइट एंड साउंड शो करें। ये कैसा शो है? हाँ बताइए कैसे। तुम नहीं जानते, ये ड्रामा की तरह ही होता है। एक ग्राउंड में अलग अलग जगहों पर सीन्स होंगे, लाइट्स और साउंड होंगे और फिल्म के जैसे ही विजुअल मैजिक होगा। यही है लाइट एंड साउंड शो। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सुन के लग रहा कि महंगा होगा। हमें चर्च से एडवांस मिल जाएगा, नया ड्रामा करने की क्या जरूरत है। हमें लोगों से डोनेशंस मिल जाएंगे, आर्टिस्ट को हम उसी में से थोड़े पैसे दे देंगे। मेरी बात सुनिए सनी, सॉरी फादर, हमें कितने शो करने पड़ेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे हम सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। कम से कम 10 से 20 शो तो होंगे ही। ये इतना ज्यादा भी नहीं है, हम इतने शो तो कर ही सकते हैं। हाँ, मंजुनाथ सही कह रहा है, हमारे लिए भी एक सर्विस की तरह है। अब इसके लिए हमें लोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, है ना फादर? वैसे ये बाइबल की कहानी का सब्जेक्ट क्या है? भीष्म की शपथ। बेवकूफ का बेवकूफ ही है ये। अरे वो खाना खा रही है।
अपना टिफिन बॉक्स खा लेना, बिल्कुल कुछ मत छोड़ना। ओके टाटा। वर्गीस देखो वो आ गई, जाओ जाके अपना मेजरमेंट उसे दे दो। ओ, हमारे मेजरमेंट में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ सिलेक्टेड लोगों की ही लेती है। उसे मेरे बारे में अभी पता नहीं है, उससे पूछने वाला भी कोई नहीं है, इसीलिए उसे डर भी नहीं है। तुझे पता है इस देश में यही एक काम सबसे अच्छा है, ना तो कोई स्ट्राइक होती है और ना ही कोई नौकरी से निकाल सकता है। देखो वो औरत अपने पति की मौत के बाद बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रही है, इस बेचारी का नाम किसी आदमी के साथ जोड़कर इसे बदनाम मत करो। तुझे उससे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? लगता है ये जरूर रात में उसके घर जाता है। सहदेव गरम चाय तेरे चेहरे पर फेंक दूंगा। कैसे वर्गीस भाई, जरा एक चाय देना। हाँ देता हूँ। पता है तुम्हें इस साल दादाजी का ट्रूप ड्रामा नहीं करने वाले हैं, लाइट एंड साउंड शो करेंगे, जीसस पर प्ले होगा और इस शो के डायरेक्टर हैं फादर सनी। जीसस का प्ले होगा तो सुपर हिट है। पर मैंने सुना है कि जीसस के रोल के लिए उन्हें अभी तक कोई मिला नहीं। क्यों फादर, जीसस का रोल मुझे क्यों नहीं करने देते? नहीं नहीं दादाजी को सूट नहीं होगा, नहीं होगा। ये लोग कोरस में ऐसा क्यों कह रहे हैं? आज तक जितने भी ड्रामा हुए हैं उसमें मैं हीरो का रोल करता आया हूँ, ये सब लोग जानते हैं। अगर मुझे हीरो का रोल नहीं मिलता है तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बूढ़ा जीसस दिखाने से हमारे चर्च की बेइज्जती होगी। लेकिन मेरे उन बेचारे फैंस का क्या होगा बताओ? फादर नहीं चाहते हैं कि आपको वो रोल देकर आपके फैंस यहाँ कर तमाशा करें। वैसे मुझे ये नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जीसस के रोल के लिए चेहरे पे तेज होना चाहिए। वैसे मैंने एक शो देखा था जिसमें उस आदमी ने जीसस का रोल किया था, मेरे ख्याल से वही इस रोल के लिए सही होगा। तो जाओ जाकर उससे बात करो और एग्रीमेंट बनवा लो, रिहर्सल शुरू करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, समझे? मैं कल ही जाकर उस आदमी से मिलता हूँ, आपके पास वक्त है तो जरा स्क्रिप्ट देख लीजिए। हाँ हाँ चलिए देखते हैं, मुझे पहले नहाना है। मंजुनाथ तुम पहले केले के पेड़ों को पानी डालो। ऊपर वाले यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दमकल से आग बुझा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड फादर, कैसे हैं आप? ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आपके पति घर? हाँ, वो अंदर है। लेकिन क्यों, उसे ड्रामा के लिए बुक करने आए हैं? हाँ सही है, उन्हें जीसस के रोल के लिए बुक करने आए हैं। हाँ जीसस का रोल तो वो जरूर करेंगे, लेकिन फादर उन्हें पहले पति का रोल तो ठीक से करने को कहिए, घर की जिम्मेदारी ही नहीं निभाना चाहते। आप अंदर आइए ना, मैं उन्हें बुलाती हूँ। मैं जिस आदमी के बारे में कह रहा था ना वो यही, क्या कहते हो, सही है ना एकदम? आखिर मैं मंजुनाथ हूँ। इंसान है या पहाड़? जीसस का रोल करने के लिए हम जिनसे मिलने आए थे क्या वो आप ही? हाँ मैं ही हूँ। पिछले 4 सालों से मैं ड्रामा नहीं कर रहा हूँ, अभी थोड़ा दुबला हो गया हूँ। पिछले साल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत सारे डॉक्टरों ने मिलकर मेरा एक साथ ट्रीटमेंट किया था, इस वजह से मैं मोटा हो गया। वैसे ड्रामा क्या है और रोल क्या है? दरअसल ये ड्रामा नहीं, लाइट एंड साउंड शो है, और हमें बिल्कुल जीसस के जैसा दिखने वाला एक आदमी चाहिए। अच्छा। था और मुझे नहीं लगता कि आप उसमें फिट हो। मेरे मोटापे पर जाने की जरूरत नहीं है, लाइट मेरे चेहरे के नीचे दीजिए ही मत। बाकी चेहरा तो ओके है ना? चेहरा तो ठीक है, लेकिन जब आपको क्रॉस पर चढ़ाएंगे तो वो लकड़ी का क्रॉस टूट जाएगा। हमने यहाँ आकर आपको तकलीफ दी, हम माफी चाहते हैं। अगर यहाँ ज्यादा देर रुके तो ये और बकबक करेगा। चलो हेलो, हमने बहुत लोगों को देखा लेकिन उस रोल के लिए मेरे दाढ़ी की वजह से मैं शायद बिल्कुल सही रहूंगा। मंजुनाथ, दाढ़ी रखने से कोई क्राइस्ट का रोल नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर तेज होनी चाहिए, आंखों में शांति हो और उसके हाव भाव दिव्य होने चाहिए, समझ गए? हम ये प्रोग्राम किसी नेक काम के लिए कर रहे हैं और वैसा आदमी ईश्वर हमें जरूर देगा।
देख के ऐसा लग रहा है कि साक्षात जीसस हमारे सामने आ गए हैं। नमस्ते। उसकी वेशभूषा देखी आपने? ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई साधु हो। तुम जाकर उसे अपने ड्रामा के बारे में बताओ। जाओ। मेरा नाम मंजूनाथ है। पास वाले गांव के ड्रामा ग्रुप का एक आर्टिस्ट हूं मैं। और वो फादर सनी है। फादर पूछ रहे थे कि क्या आप हमारे ड्रामा में क्राइस्ट का रोल करेंगे? लगता है ये कोई बहुत बड़ा सन्यासी है। क्या जवाब दिया? जब मैंने पूछा कि क्राइस्ट का रोल करेंगे आप, तो वो सिर्फ हंसे। फादर, उनके मन में क्या था मैं समझ ही नहीं पाया। भाई, बेटा, उस आदमी का नाम क्या है? वो जो खड़ा है उसका? हाँ। क्लीटस है। मतलब वो भी क्रिश्चियन है ना? लेकिन बात क्या है? यहाँ आओ। आप इतने पैसे देंगे तो भाई राजी हो जाएंगे। अगर वो राजी नहीं होंगे तो मैं उन्हें समझा लूंगा कैसे। अच्छी बात। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं। क्या? उस ड्रामा में मुझे भी एक रोल देना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें भी मिल जाएगा। और मैं अच्छी एक्टिंग नहीं करता बोलकर ड्रामा से निकालेंगे नहीं आप? हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। पक्का ना? पक्का। फिर ठीक है, आप यहाँ वेट कीजिए, मैं अभी जाकर उनको राजी करता हूँ। ठीक है? ठीक है। मुझे लगता है कि वो उसे राजी करवा देगा। वो राजी हो गए। सॉरी। कॉलेज बंद हो गया है और मैं तुमसे मिलने आया हूँ। फादर सनी के हाथ पैर पड़ा तब जाके एक छोटा सा रोल मिला है मुझे। देखो, जिस तरह हम कॉलेज में मिलते हैं ना, उस तरह से यहाँ नहीं मिल सकते। यहाँ मेरे दादाजी दादी सब लोग हैं, हमें बातें करते हुए कोई देख लेगा तो अच्छी बात नहीं है। अब जाओ। अरे सुनो, मेरी बात तो सुनो। हाँ? तुम यहाँ नए हो? जी हाँ। नाम क्या है तुम्हारा? एलेक्स साइमन। बेटा एलेक्स, आते ही बात करने के लिए तुम्हें हमारे मास्टर की बेटी ही मिली। एक छोटा सा डाउट था, वही क्लियर कर रहा था। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है ठीक है। सीनू भैया। वाह वाह, तुम दोनों यहाँ? पिछले ड्रामे के बाद आज देख रहा हूँ तुम दोनों को। कई दिनों से कोई ड्रामा नहीं मिला ना, इसीलिए हमें आना पड़ा। अरे ये भी आई है। ये कौन है? बहुत बकबक करती है, तुम दोनों इसकी बातों पे ध्यान मत देना। क्या मारिया, तुमने तो बहुत शानदार एंट्री ली। ओ, वो सीरियल के डायरेक्टर की कार है। मेरे पिताजी मॉर्निंग वॉक करने के लिए कार ले गए। वो कार लेके मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं? नहीं, ग्राउंड तक कार ले जाते हैं, फिर ग्राउंड पर वॉक करते हैं। मैं रात भर शूट कर रही थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी। सॉरी, मैं जरा आराम करके आती हूँ। जब देखो अपनी तारीफ करती रहती है, एक नंबर की फेकू है ये। फादर, क्राइस्ट के 12 शिष्यों का रोल करने वाले तो आ चुके हैं, पर ये क्राइस्ट अभी तक क्यों नहीं आया? अरे आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मंजूनाथ उसे लेने गया है ना। अगर वो नहीं आए तो?
ऐसा कैसे कर सकता है वो? एग्रीमेंट साइन किया है उसने। आर्टिस्ट आ रहे हैं, जाकर देखो उन्हें क्या चाहिए। जी फादर। बेटी, मंजुनाथ जीप लेकर गया है ना? नहीं, वो फायर इंजन लेकर गए हैं। लोग राइस भी आ गए। ये क्राइस्ट के रोल के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, सबको दो केक और वाइन। सबसे पहले क्लीटस को दो। नहीं, भाई से बिल्कुल नहीं छुएंगे। आप थक गए होंगे, जरा आराम कर लीजिए। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो, लेकर जाओ इन्हें। मैं आपका ये रोल मुझे करना चाहिए था, आपने उसे दे दिया। अब तो ईश्वर ही हमें बचा सकता है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं इस ओल्ड मैन गेटअप में जाऊंगा तो मेरे फैंस क्या समझेंगे। तो फिर एक काम कीजिए, भाई का रोल आप ही कर लीजिए। देखो, मैं नहीं देखूंगा कि तुम फादर हो, मैं तुम्हें डांटूंगा, समझे। आर्टिस्ट सिर्फ एक ही रोल नहीं करते, कुछ लोग तो दो से तीन रोल करते हैं। वो कैसे? फिर तो ठीक है, लेकिन मैं पूरे ड्रामा में बूढ़े का रोल नहीं करने वाला हूँ। लेकिन ये बताइए, क्लीटस जो क्राइस्ट के रोल के लिए आया है, क्या वो ठीक से एक्टिंग कर पाएगा? मुझे तो एक्टिंग में नया आदमी लग रहा है। वो स्टेज में पूरे टाइम के लिए खड़ा हो पाएगा? अब देखिए, अब उसे कोई ज्यादा एक्टिंग तो करनी नहीं है, उसे शांति से अपना डायलॉग बोलना है। वो क्लीटस कर लेगा। उसका हुलिया उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, चेहरा बिल्कुल शांत स्वभाव का है। और वैसे भी आज के जमाने में वाइन नहीं पीने वाला कोई आदमी मिलता है क्या? हाँ, ये तो सही कहा। अरे टोनी, तुम लाइट और साउंड तुरंत रेडी करो, ठीक है? सुनो, साउंड की क्वालिटी एकदम दमदार होनी चाहिए, बादल के गरजने से भी ज्यादा जोरदार होनी चाहिए। फादर, क्या हुआ? फादर, वो क्राइस्ट के रोल के लिए जो क्लीटस आया है ना, वो उन 12 शिष्यों को मार रहा है। अरे, लेकिन क्यों? कह रहा है कि उसके बैग में जो शराब की बोतल थी, वो किसी ने निकाल के पी ली। हाँ। अगर हम लोग वहाँ जल्दी नहीं पहुँचे तो वो यूदास को मार डालेगा। चोरी करेगा? बताओ, मेरी शराब किसने चोरी की? बोलो, चलो बताओ, मेरे बैग से किसने शराब निकाली? बिल्कुल भी नहीं पता कि किसने चुराई है। नहीं बताओगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने लिया? इनके बैग से बोतल किसने चुराया? ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। किसने चुराई? फादर, आप ही समस्या का हल कीजिए। हाँ? मेरा बैग खोलकर किसी ने बोतल चुराई, मुझे अभी पता लगना चाहिए, नहीं तो इन 12 शिष्यों को मैं मार डालूंगा। सुनो क्लीटस, समस्या खड़ी मत। फादर, समस्या मैं नहीं, ये लोग खड़ा कर रहे हैं। इनकी वजह से भाई का बोतल बर्बाद हुआ, अब इनका बोतल यहाँ कहाँ मिलेगा? भाई को सिर्फ दोपहर में शराब पीने की आदत है, अब वो क्या करेंगे बताइए। फादर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरे बैग से किसने बोतल चुराई है मुझे अभी के अभी जानना है। आप लोगों के कहने से मैं क्राइस्ट का रोल करने के लिए राजी हुआ ना, क्राइस्ट के बैग से बोतल चोरी करने की हिम्मत किसी की कैसे हुई? मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन के कई पुलिस वालों को जानता हूँ, उनके पास फूंकने वाली मशीन है, मैं सबको मशीन में फूंकने को कहूंगा। नहीं, ऐसा मत। ठीक है, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। तुम इधर आओ, साथ छोड़ो। ओ, मर गया। अरे, इसके मुंह से कितनी बदबू आ रही है, ये लोग कभी ब्रश नहीं करते क्या? अरे, इन्हीं कमीनों ने मेरी पूरी बोतल घटक ली, एकदम से नालायक हैं ये। अगर इन्होंने फिर ऐसा किया तो मैं इनकी जुबान खींच लूंगा। अब बस करो क्लीटस। अरे फादर, मैं इनके साथ एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ? कहाँ से पकड़ कर लाए इन बेवकूफ नालायकों को? चलो भाई, कहाँ जाना है? चलो देखते हैं शराब कहाँ मिलेगी। लेकिन आपका ब्रांड तो महंगा है, आसपास कहीं मिलिट्री कैंप तो होगी ना। फादर, क्राइस्ट का रोल करने के लिए जो आया वो यही है क्या? ये आपने क्या किया फादर, आप इसे नहीं जानते? मैं इसे बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ, ये क्लीटस जो है बहुत खतरनाक क्रिमिनल है।
मारपीट करने के बाद समुद्र में नहाता है। सब लोग इसे डरते हैं। अच्छा होगा इसे कुछ पैसे देके भेज दीजिए। तो क्या कह रहे थे आप? चेहरे पे तेज है, शांत स्वभाव का है, बेस्ट क्राइस्ट है। आप आर्टिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल है। अच्छा ये बताइए यहाँ आसपास मिलिट्री कैंप है क्या? मिलिट्री कैंप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शराब तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। वहाँ ओरिजिनल मिलती है। अब मैं समझा तुम्हारी बात का मतलब। ये साइकिल लो और सीधा जाओ चौक के बाद दूसरा घर, वहाँ तुम्हें एक्स मिलिट्री सनम का घर मिलेगा। बहुत अच्छा घर है। वो एक एक्स मिलिट्री मैन की विधवा है, उसी का नाम सनम है। मुझे ये नहीं पता कि वो आपको शराब देगी या नहीं, फिर भी आप लोग जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। शायद तुम लोगों की किस्मत अच्छी हो और वो तुम लोगों को दे दे। भाई ये लड़की बड़ी सुंदर लग रही है। भाई ये ड्रामा ग्रुप के लोगों का ड्रेस सिलती है। आप लोग जो ड्रामा करने वाले हो उसके लिए एकदम सही है। एक बार पूछ के देखो, अगर राजी हो गई तो मस्ती करो। वैसे इस आर्टिस्ट का नाम क्या है? क्लीटस। क्लीटस लगता है ये डरपोक है। भाई चलिए चलते। क्लाक 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 क्लिक क्लिक क्लिक। क्लीटस ने इसे प्यार से देखा। उस समय ये अपनी किस्मत की तरह कपड़े काट रही थी। चलो बेटा सहदेव, भगवान ने तुम्हें साइकिल ही साफ करने के लिए भेजा है। जब मैंने क्लीटस को जीसस के रोल करने के लिए पूछा तब वो बुरी तरह से हंस रहा था। अब मुझे समझ में आएगी क्यों हंस रहा था। आगे लिखो। मेरी सहेली। वो सुबह सुबह घर से बाहर गया और शाम को देर से ही घर लौट कर आया। हाँ। ये कैसी एग्रीमेंट तुमने टाइप की है? अगर हम क्लीटस को जाने के लिए कहेंगे तो हमें उसे मुंहमांगी रकम देनी पड़ेगी। हमें उस रोल के लिए जब कोई नहीं मिला तो हमने उसकी सारी शर्तें मान ली थी। मंजुनाथ ने बताया था कि वो बहुत शांत। देखकर तो आपको भी ऐसा ही लगा था ना फादर, लेकिन मुझे उसकी आदत समझ में आ गई है। जो भी हो उसे कल सुबह ही यहाँ से भेज दो। हाँ, उसके बाद क्राइस्ट का रोल मैं करूँगा। अरे नहीं नहीं नहीं, फिर से कोरस में शुरू हो गए। मुझे तुम सब लोग परेशान क्यों कर रहे हो? देखिए मैं क्लीटस को यहाँ से भेजना नहीं चाहता। उस रोल के लिए नया आदमी ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमें क्लीटस को किसी भी तरह एक अच्छा इंसान बनाना होगा। वो शरीफ आदमी है ही नहीं, वो तो शैतान है। हर इंसान के दिल में ईश्वर और शैतान दोनों होते हैं। हमारी हरकतें ही हमें ईश्वर या शैतान बनाती हैं। क्लीटस को हम सुधार सकते हैं। सच में उसने मुझे बहुत जोर से मारा। ये बताओ ज्यादा मार किसे लगी है, पेट्रोस या युदस को? उस आदमी की वजह से देखो सब लोगों को चोट लगी हुई है। ओह, उसने इन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये जीसस के पिताजी का रोल कर रहे हैं। उस आदमी में रहम नाम की कोई चीज नहीं है, उसे सिर्फ लोगों को बेरहमी से मारना आता है। आखिर एक गुंडे के साथ हम लोग एक्टिंग कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, 12 शिष्यों को उस पर भरोसा करके एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होगा। देखो जिस तरह उसने तुम लोगों के साथ किया, अगर मेरे साथ किया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे पिताजी को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था, नहीं तो मुझे ड्रामा करने के लिए कभी भी नहीं भेजते। अगर उसे यहाँ से नहीं निकालते तो हम लोग कोई भी एक्टिंग नहीं करेंगे, ऐसा फादर से कहें तो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? सिर्फ फादर और मास्टर रफेल के बारे में सोचो। जब हमें एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब मास्टर रफेल हमें शुरुआत से एक्टिंग सिखाते थे। देखो कैसे जा रहा है। सुनो अंधे। क्या कहा तुमने? अंधा कहा, सुना नहीं तूने? देखो तो कैसे घूर रहा है। वो कहाँ है? ए लड़की, भाई का नाम ठीक से लो वरना समझ लेना। मुझे उसे डर नहीं लगता। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से गुंडे देखे हैं। आइंदा से उसने अगर अपने कोई भी को आर्टिस्ट पर अगर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपनी आदत छोड़ देगी नहीं हो भाई शुशु। देखो इस बार तो हमने उसे माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने अगर फिर से ऐसा किया ना तो यहाँ पुलिस है और दूसरे गुंडे भी हैं। और तो और अगर मेरा हाथ उठ गया ना तब तो उसकी खैर नहीं, समझा देना उसे। उसकी जरूरत नहीं, एक बार पीछे देख लो बस। फादर ने कहा कि तुम उनसे मिलने के बाद ही कैंप के अंदर आ सकते हो। ये बहुत हिम्मत वाली है। अरे, क्या हुआ सिस्टर, आपको किडनी स्टोन है क्या? नहीं, लेकिन आज मैं अपनी किडनी खो चुकी होती। सुनो क्लीटस, तुम कोई साधारण रोल नहीं कर रहे हो। यह उसका रोल है जिसने प्यार बांटा और अपनी कुर्बानी देकर इस पूरी दुनिया को संभाला था।
देखो, जब हम कोई रोल करते हैं तब हमें उस रोल में घुसकर उस आदमी की हर आदत को सही ढंग से अपनाना चाहिए। समझ गए तुम? तुम्हारी ये जो शराब पीने की आदत है ना, इसे छोड़नी होगी। ऐसा मत कहिए फादर, आपको पता है मेरे पिताजी ने मेरे 18वें जन्मदिन पर तोहफे में मुझे एक ग्लास शराब पिलाई थी और ये आदत मुझे उसी दिन लगी थी। और जिस दिन मेरे पिताजी की मौत हुई उस दिन के बाद से मैं अपने आप को संभालने के लिए और ज्यादा शराब पीने लगा। मेरे लिए इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं एक गिलास शराब पीता हूं तो मुझे लगता है मेरे पिताजी मेरे साथ हैं। मेहरबानी करके मेरे भाई को उनके पिता से अलग मत कीजिए। चुप रहो तुम। सभी पीने वालों को कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। देखो क्लीटस, तुम्हें आदत छोड़नी होगी। फादर, आप ये बताइए कि आप बाइबल का वचन पढ़े बिना कभी रह सकते हैं क्या? बताइए, नहीं रह सकते ना? अच्छा, मैं समझ गया, तो तू ही क्लीटस को बिगाड़ रहा है। इस कैंप के अंदर शराब पीना मना है, मैंने कह दिया तो बस। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे? तुम बचपन में कभी चर्च गए थे? गया था ना फादर। कब गए थे? मैं अपने टीचर को मारने के लिए स्कूल गया था लेकिन वो चर्च में था। मैंने उसे चर्च में ही मारा था फादर। वेरी गुड, काबिले तारीफ काम है तुम्हारा। देखो क्लीटस, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, अभी तक तुम क्या थे, तुम कैसी जिंदगी जी रहे थे, ये सब मुझे नहीं जानना। आज से तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा, और एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, तभी तुम अपनी कला को सही ढंग से अंजाम दे पाओगे। समझ गए? इसीलिए तुम्हें बीते हुए कल को भूलना होगा। आज से रिहर्सल शुरू हो रहा है। सुनो, तुम ये डायलॉग प्रॉम्प्ट करो। तुम इधर आओ। हाँ, वो एक डांसर है जो अपनी आंसुओं से क्राइस्ट का पैर धो रही है। अपने बालों से पैर पोछो। यह आदमी एक धोखेबाज है। हाँ, यह आदमी धोखेबाज है। ये औरत जो क्राइस्ट के पैर धो रही है वो एक पापिन है। क्यों, मेरी बात से सहमत हो या नहीं? बताओ, क्या इसे पैर धोने का हक है? क्लीटस, तुम उठो और अपने डायलॉग बोलो। तुम बच्चलन औरत हो। तुम्हें खांसी हो रही है क्लीटस? तुम यहाँ क्राइस्ट का कैरेक्टर कर रहे हो, तुम जीसस हो, तुम उससे ऐसे नहीं पूछ सकते हो। उसे माफ कर दो, दरअसल क्लीटस को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्लीटस, मैं बताता हूँ कैसे करना है। जीसस सियान को देखकर फिर से कहते हैं कि जिसने 50 और 500 कर्ज दिए थे। अब बोलो। मेरा अभी मूड नहीं है, बाद में ट्राई करूंगा। देखा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होने वाला है। अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे जीसस का रोल करने दो। फादर। हाँ बोलो। आपने कहा था कि मुझे भी एक रोल मिलेगा। तुम सकेवुस हो ना? सकेवुस? हाँ। वो तो फिल्म का नाम है। नहीं नहीं नहीं, जब क्राइस्ट भीड़ में चल रहे होते हैं उस वक्त सकेवुस को जीसस को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, वही सकेवुस है। यही रोल तुम्हें करना है। हाँ, मैं समझ गया। हाँ। भाई, भाई मुझे भी एक रोल मिल गया, पेड़ पर चढ़ने का रोल है। सकेवुस कुछ ऐसी बोल रहे थे। एक काम करता हूँ, पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में लड़कियों को भी देखता हूँ, कैसा है? भाई आज आपका मूड कहाँ है? थोड़ी सी पीने की। क्या भाई, अभी 10 मिनट के बाद पीते हैं ना, मैं सेट तैयार कर लेता हूँ। हाँ,
सिस्टर, भाई को प्यास लगी है, उनके लिए एक गिलास पानी लेकर आइए। उसे प्यास लगी है तो कहो खुद जाकर पानी ले ले। जब मेरी दादी बहुत बीमार थी तब भी उसे मैंने पानी नहीं दिया, तो फिर इसे क्यों दूं? ओ भाई, जब वो रिहर्सल में आपके पैर धोने आएगी तो उसे जोर से एक लात मारना, घमंड चूर हो जाएगा उसका। सबको डांटती रहती है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा भाई। भाई एक लाफा लगाना उसके पीछे। मैं उसे अभी मारूं? अभी मारेंगे, और नहीं तो क्या है? रुको, तुम ये घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? तो फिर से करूं क्या? देखनी है तुम्हें? देखो, अगर तुम कैंप के अंदर औरतों की इज्जत नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम क्या कर लोगे? मुझे उंगली दिखाकर बात नहीं करना, नहीं तो मैं तुझे भी मारूंगा। चलो भागो। इस लड़के का मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है, वो क्या ऐसा ही है? अरे क्लीटस, वो डीएसपी का बेटा है, बेकार मुझे पंगा मत लो। ओहो, सुनो क्लीटस। क्या है? इस तरह गप्पे मत लड़ाओ, जाकर डायलॉग याद करो। जब आपने खुद यहाँ आकर मुझे आने को कहा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल से रोल मिला। अच्छा? ये लो। तुम इस ड्रामा कैंप के क्लीटस हो ना? तो चलो जीप में बैठो। सिर्फ मैं ही क्यों बैठूं? वो क्यों नहीं बैठेंगे? ताश खेलने की वजह से नहीं लेके जा रहे हैं तुम्हें, डीवाईएसपी साइमन साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ, ऐसी बात है? वो बेचारे बेकार में तैर रहे हैं। हम बच गए यार, वो क्लीटस को ले गया। ये देखो मेरे सामने कौन खड़ा है। जीसस क्राइस्ट, तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है? तुम्हारे बेटे के पास भी कोई काम नहीं जो उसे एक्टिंग करने के लिए भेजा? अरे वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है, उसके मन में जो आता है वही करता है। हाँ, किसी की भी नहीं सुनता। सर आपने मुझे क्यों बुलाया? बताता हूँ। लो ये लो। रहने दीजिए सर। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए तुम मुझसे अभी तक मिलने नहीं आए। सर मैंने कभी नहीं कहा कि सभी पुलिस वाले क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन उस दिन आपकी गलती थी सर, है ना? आपने उस दिन मेरे लड़कों को बचाया नहीं सर। बात तो ठीक है, मैंने कहा भी था कि उन्हें बचा लूंगा, लेकिन कानून का भी तो नियम होता है, वो पब्लिक इशू बन चुका था, भगवान भी चाहते तो उन्हें बचा नहीं पाते। सर उसके बाद वो लोग आपके बदले जेल गए, नहीं तो फिर आपको जाना पड़ता। छोड़ो पुरानी बातें, तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो घर अकेले जाना। अभी मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया है। तुम सीआई कृष्ण कुमार को जानते हो ना? इन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो। नहीं सर, माफ कीजिएगा, आपके लिए गुंडागर्दी करने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे एक रास्ता मिला और मैं खुशी से उसके लिए राजी हो चुका हूँ। और सर अभी जेल जाने के लिए कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ मैं ही अकेला बाहर हूँ, मुझे जाने दीजिए सर। मुझसे पंगा लेके कब तक बाहर रहोगे तुम? क्यों भाई, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, ऐसा सर मुझे बता रहे थे। क्या सर, आप इसे क्यों मदद मांगते हैं? रुक जाओ सर, आप बीच में मत आइए, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, ऐसा की कोशिश तो करो। रुक जाओ क्लीटस, ये तो मजाक कर रहा था। सर मैं भी मजाक ही कर रहा था। अब आप इस क्लीटस के बारे में इन साहब को जरा बता ही दीजिए सर। शराब कितनी महंगी मिलती है ये क्लीटस अच्छी तरह जानता है। क्या सर सिर्फ इतनी ही बची है? सर अगर आपको एतराज ना हो तो मैं इसे पी लूं सर? अब मैं जा रहा हूं, इतना काफी था। अब बस भी करो भाई। मास्टर जी ने बताया था कि आपके बालों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। भाई आपके बाल लंबे होंगे, मुलायम होंगे, अच्छे होंगे, स्टेज पर उड़ेंगे तो अच्छे लगेंगे ना भाई। ये बाल मेरे भाई के जान है, मैं इनके बालों को इसी तरह से धुआं देता हूँ। मर्डर क्राइम से बचाने के लिए गाँव में हम धुआं फैला देंगे।
और उसके बाद उसे बहुत जोर से प्यास लगी, फिर वो पानी की तलाश में उधर गया। क्लीटस भाई, पानी यहाँ पर रखा हुआ है, अगर प्यास लगेगी तो किसी से पूछना मत। लेकिन उसे पानी दिखाई नहीं दे रहा था। भाई ये गाड़ी तो किसी और रूट पर जा रही है भाई। हा? किसी भी रूट पर जाने दो, हम सही हैं, बस इतना ही काफी है। सिस्टर, सिस्टर आप उस बेशर्म आदमी से क्यों बात करती रहती हैं? ओह, अब उसने अनजाने में मुझे मार दिया तो इसके लिए हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? अनजाने में नहीं, जानबूझकर मारा था, मैंने खुद देखा था। देखो बेटी, चाहे डंपर ऑटो से टकराए या ऑटो जाकर डंपर से टकराए, नुकसान ऑटो का ही होता है। हमारा ड्रामा सफल हो जाए इसके लिए छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं। भाई 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 भाई, आपके दोस्त का फोन है भाई। हेलो। हाँ, सच कह रहे हो? कब आए? पैरोल पर? क्या कहा, छोड़ दिए? हाँ हाँ, अब तुरंत यहाँ आ जाओ। हाँ ओके। क्लीटस, क्लीटस। अरे वाह, क्या बात है, तुम लोगों में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। ये जगह तो बहुत बढ़िया है, सुपर। अरे मास्टर, ये लोग मेरे साथ यहीं पर रहेंगे, इन लोगों के लिए भी खाना बनाना, खास कर इस मोटे के लिए। ये जगह तो सच में बहुत शानदार है। ये दो आदमी के बराबर खाना खाता है। ये सब मेरे दोस्त हैं। ये उडुम्बु साली है, ये मार्क जोसेफ, ये साहिब और ये पोडी। नमस्कार। अगर मैं इन्हें किसी को धमकाने के लिए कहता हूँ तो ये लोग सिर्फ धमकाते नहीं, उसका हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फादर कहाँ है? इन्हें उनसे मिलवाना है। वो बिशप के घर पर गए हुए। ऐसी बात है, तुम लोगों ने हमारा रिहर्सल कैंप देखा है? नहीं, हमने सिर्फ अभी तक पुलिस कैंप ही देखा है, क्यों? चलो आओ, चलो आओ। ऐसा होता रहा तो हमें सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों ना हम अपने ड्रामे के टाइटल को जीसस की हिस्ट्री से मर्डर हिस्ट्री में बदल दें? चुप। जिंदगी के मजे लो, जिंदगी के मजे लो, जिंदगी है चार दिन की, जिंदगी के मजे लो, मजे लो, मजे लो, मजे लो, मजे लो। फादर, नहीं तो कितना परेशान कर रहे हैं, कैसे रुकूं इनको? श्रीनी भैया, हमें बहुत परेशानी हो रही, जाकर बंद करने को बोलो इन्हें। वो मुझसे सीनियर है, पंचपन है, तुम इसी से बात करो ना। मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तो मेरा रोल कौन करेगा? हाँ ये लो, उनसे बात करने वाला सही आदमी आ गया। मंजू भाई, आप जाकर उनसे कहिए कि हमें परेशान ना करें, उनकी वजह से हम डायलॉग की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप लोग चुप बैठे हैं इसीलिए वो लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं। अरे तो अब हम कर क्या सकते हैं, अगर उन्हें अकल होती तो हमारी बात वो पहले ही समझ जाते ना। मैं जाकर रोकने की कोशिश करता हूँ। शांत हो जाइए, मत भूलिए कि ये स्टेज हम जैसे आर्टिस्ट के लिए एक बहुत पवित्र जगह होती है। हम पूजा करने के बाद ही स्टेज पर चढ़ते हैं और आप लोग इस तरह की हरकत वहाँ कर रहे हैं। कला के जरिए जीने वाला एक अच्छा इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। मंजूनाथ ने बहुत डांट रहा है, सबके सब बिल्कुल चुप हो गए। चार दिन की जिंदगी, चार दिन की जिंदगी, तो जिंदगी के मजे लो, 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 जिंदगी 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 के मजे लो, जिंदगी मजे लो। ये आप लोगों ने उस कमजोरी का सही इस्तेमाल किया। अब मैं खड़े होके पूरे दिल से क्लीटस से माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत दिनों से जो मेरा फायर इंजन था ना, वो आग नहीं बुझा पा रहा था और उस वजह से मैं पापी बन गया। उस दिन आपके बैग से शराब की बोतल चोरी की हुई थी ना, वो मैंने तूने मेरी शराब की बोतल चुराई, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे कुछ मत कीजिए। क्या है ये? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और तुम डर गए, तुम्हारी आंखों में आंसू भी है, पूछ लो इसे। मेरी शराब मेरी आंसुओं के साथ बह गई है। अरे ये ले लो। नहीं अब अरे नहीं, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते, पिलाओ भाई। हाँ पी लो, पी लो, थोड़ा सा पी लो। लेकिन इस तरह मैं नहीं पीता ना।
इससे पीता हूँ मैं। सब मेरी गलती है, मैं कसूरवार हूं। जब तुमने हंगामा मचाया था सब लोग यही चाहते थे कि तुम यहां से चले जाओ, लेकिन मैंने सुना नहीं। मैंने सोचा था कि तुम सुधर जाओगे और एक अच्छे इंसान बन जाओगे। एक बात ध्यान से सुन लो, ये ड्रामा का स्टेज मैंने पीकर मस्ती करने वालों के लिए नहीं बनाया है, समझ गए? वैसे तुम कभी सुधरने वाले नहीं हो, ये बात मुझे समझ में आ चुकी है। तुम अगर हमारे एग्रीमेंट के मुताबिक मुझ पर केस करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर तुम्हें यहां से जाना होगा। सही कहा आपने, मेरे लिए ये जगह सही नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि मैं इस काम के लिए सही नहीं हूं। आप लोगों ने ही मुझे मनाया कि मैं इस रोल के लिए ठीक हूं। मैंने भी एग्रीमेंट बनाई है कि आप मुझे यहां से जाने के लिए नहीं कह सकते, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं। आपने जो पैसे दिए थे वो मैंने दोस्तों के परिवार वालों के लिए दे दिए। वो लोग मेरे लिए जेल गए थे, जब वो जेल से छूटकर वापस आए तो मैं सब कुछ भूल गया। फादर, मैं एक क्रिमिनल जरूर हूं, लेकिन मैं किसी और के पैसों से जिंदगी नहीं गुजारता। आपके पैसे मैं कुछ भी करके वापस कर दूंगा। तुम दुखी क्यों हो? मेरा जीसस का रोल नहीं रहा तो तुम्हारा साकिर हुसैन का कैसे रहेगा? जाओ, जाकर हमारा सामान लेकर आओ। क्लेटस, उसका नाम साकिर हुसैन नहीं है, सकेवूस है। अरे जो भी नाम हो, मुझे कोई परीक्षा थोड़े ही देनी है। फादर, मैं आपको एक नसीहत देता हूँ, कुत्ते की दुम को नली में डालकर सीधा करने की कोशिश नहीं करना, दुम नहीं नली टेढ़ी हो जाएगी। अब मुझे ड्रामा में एक्टिंग करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी शौक नहीं। भाई जरा उधर देखो। क्या हुआ भाई? मैं उन लड़कियों को देखकर रुक गया भाई। लड़कियों को देखकर रुक गया? अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ठीक हो तो हम लोगों को कैसे देख रहा है? चलो जाओ यहाँ से। क्या कर रहा है? ये इस तरफ क्यों आ रहा है? मेरी बेटी, हे भगवान, मेरी बेटी, मेरी बेटी। मेरी बेटी, मेरी बेटी। She'll be all right. Don't worry. Oh.
अगर वो सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो मेरी बेटी ईश्वर ने ही उसे सही वक्त पर भेजा था। मुझे लगता है कि उसे माफ कर देना चाहिए और प्ले में एक और मौका देना चाहिए। सकेवुस, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैंने तुम्हारे घर में रहने का फैसला किया है। पहले तुम नीचे आओ। अरे फादर, बोलो। साकिर हुसैन की हड्डी टूट गई है। उठो और चलो। तुम्हें और कपड़े सीने पड़ेंगे। हम बाइबल की कहानी पर ड्रामा कर रहे हैं। मैं बाद में तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, ठीक है? ठीक है, चलता हूँ। एक चाय देना। ओए, तुम कहीं चले मत जाना, वक्त पर वहाँ पहुँच जाना। केला खाने के बाद ही उधर आऊंगा, पैसे दिए इसके मैंने। जब से हम यहाँ हैं, हमने पैसे खर्च नहीं किए। अपने भाई उनके लिए दूसरों से खर्च करवाएंगे। देखो, अगर आप लोगों को ड्रामा के लिए ड्रेस का नाप देना है तो बिंदास जाइए। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। वैसे भी उसे बाहर वाले ज्यादा पसंद है। उसे किसी ने परेशान किया तो याद रखना, हाथ काट दूंगा उसका। हाँ। देखो कितना बिंदास जा रहा है। मार खा के जाएगा वो यहाँ से। hey, क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ? इसने तो मुंह पे पर्दा लगा दिया। देखो, अगर तुम्हें वो औरत पसंद है ना तो चिंता मत करो, थोड़ा सब्र रखो, बहुत आसानी से तुम्हारे हाथ आ जाएगी। वो सिर्फ सामने सती सावित्री बनती है, पर है नहीं। इसे रखो और पहले खाओ। खा लो, चलो। पूरा खाऊं? खाओ बेटा। वर्गीस, उधर देख, लगता है क्लीटस ने काम कर लिया और हम लोग हाथ मलते ही रह गए। आज हम इसे छोड़ेंगे नहीं। तू जरा यहीं रुक, मैं देखता हूं। चलो निकलो यहां से। मुझे जाने को मत कहो, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। मुझे मत निकालो, कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लूं। मैंने कहा बाहर जाओ। मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश मत करना। क्लीटस को आते हुए देखा था मैंने यहाँ। उसे छुआ? हाँ छुआ।
मैंने नहीं, उसने मेरे गाल को छुआ। देख लेना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इससे पहले कि कोई देखे साइकिल पे बैठ जाओ। लगता है वो सो गई। मुझे बचा लीजिए गुरु। ये औरत वैश्यवृत्ति का काम करती है। ऐसी औरतों को मूसा के मुताबिक पत्थर फेंक कर मारना चाहिए। तुम क्या कहते हो बोलो। जिसने कोई पाप ना किया हो वही इसे पत्थर मारेगा। ए भाई, ए मारो। राजा कौन? घर में क्या छुप कर बैठी है? बाहर क्यों नहीं आती है? निकल बाहर। देखिए प्लीज, आप लोग मेरा घर मत तोड़िए। उस लड़की को घर देने से पहले सोचना चाहिए था। है बाहर निकल, निकल। तो दरवाजा तोड़ दूंगा। चल बाहर निकल, चल। तुम इस गांव से कहीं बाहर चली जाओ, हम तुम्हें इस गांव में नहीं रहने देंगे। तुम चुप निकल जाओ। हमारी इज्जत हमारे लिए प्यारी है, तुम यहाँ एक मिनट नहीं रह सकती। जाओ यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। तुम इसे जानते थे तभी इधर आए ना। तुम रोज रात को यहाँ आते हो हम अच्छी तरह से जानते हैं। अगर तुमने यहाँ कोई घिनौनी हरकत की तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। मैं भी देखता हूं तुम लोग क्या करोगे। We'll be right back.
जरा कोई ये गाना बंद कर देगा प्लीज। तुम्हें गाना सुनना पसंद है ना सिस्टर, फिर अब क्या हो गया? ओह, मुझे अब गानों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उस क्लीटस ने जो हरकत की है वो बहुत ही बेहुदा है। उस लड़की की वजह से इस गांव का नाम खराब हो रहा है, उसे यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? क्लीटस की वजह से मेरी भी बेइज्जती हुई है। ओह, मैं क्यों इस बारे में बात कर रही हूँ, वो जाने और उसकी किस्मत जाने। फादर, मुझे यहाँ से चले जाने दीजिए, मुझे इस गांव में बहुत डर लगता है। तुम्हें इस गांव के सभी लोग जानते हैं कि तुम एक अच्छी औरत हो, तुम यहीं पर रहोगी। इस तरह से लोगों को डराना धमकाना आजकल का फैशन हो गया। तुम्हें गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगी। तुम्हें इस शो के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें यहाँ बहुत सारे कपड़े सीने हैं। दुकान से अपनी मशीन लेकर आ जाओ, चाहो तो हेल्पर को भी लेकर आ सकती हो, बचा हुआ काम तुम कैंप में रहकर कर सकती हो। और यहाँ पर तुम्हें कोई परेशान करने भी नहीं आएगा, तुम यहाँ पर खुश रहोगी। चलो बेटा। माँ, अब हम यहाँ रह सकते हैं। तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है क्लीटस, लेकिन हमें किसी भी समस्या का हल मारपीट से नहीं बल्कि शांति से निकालना चाहिए। हाँ, हम पुलिस की मदद ले सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं, इसके लिए गुंडागर्दी की क्या जरूरत है? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे, छोड़ो क्लीटस। देखा ना आपने, मास्टर ने मुझे थप्पड़ मारा। जब मैंने आपका गला पकड़ा तब क्या आपने पुलिस की मदद ली या फिर कोर्ट गए? आपने मुझे थप्पड़ मारा ना? वो तो तुमने अचानक मेरा गला पकड़ लिया। उसी तरह मैंने भी उन्हें अचानक मारा। हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों को मारना पड़ा, बहुत सारे क्रिमिनल्स थे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हम तुम्हें जब भी समझाना चाहते हैं तुम कोई बहाना बना लेते हो। तुम्हें वकील बनना चाहिए, सफाई अच्छी पेश करते हो। आपने मुझे बहुत जोर से मारा मास्टर, मेरे गाल लाल हो गए हैं। आप शरीफ नहीं लग रहे हो बल्कि गुंडा लग रहे हो। वैसे ये पहली बार है कि मैंने किसी को बिना चोट पहुंचाए ही छोड़ दिया। हे जीसस, आप हमेशा हमारे आदमियों को बचाते आए हैं, हमेशा उनकी रक्षा करते आए हैं, आज भी सबको बचाना। सर। हाँ ठीक है, बैठो। वो इन्हें दे दो। बैठो बैठो। सर, आप क्लीटस को तुरंत अरेस्ट कीजिए। देखो, एक बात याद रखो, क्रिमिनल को सुधारने के लिए उससे प्यार से पेश आना चाहिए, ना कि जोर जबरदस्ती के साथ। मेरे एक्सपीरियंस से ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ। जब क्रिमिनल मेरा नाम सुनते थे ना तो उनकी हालत खराब हो जाती थी, उनकी पैंट गीली हो जाती थी। मुझे इतना वक्त हो गया क्रिमिनल को सुधारते हुए, लेकिन कोई भी नहीं बदला। अब ऐसे हालात में क्या कहूं मैं? मैंने कई लोगों को काउंसलिंग से भी बदलने की कोशिश की। तो सुनो, एक काम करते हैं, उसे अपनी कस्टडी में लेकर उसकी भी काउंसलिंग करते हैं ना। देखिए सर, हम पुलिस स्टेशन में किसी को सुधारने के लिए कंप्लेंट नहीं करते, उसे सजा देने के लिए करते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपके ऊपर जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। अगर हमारी काउंसलिंग के बाद भी उसका क्रिमिनल दिमाग नहीं बदला तो कानून अपना काम करेगा ना। अगर यही ईश्वर की मर्जी है तो उसे सजा भुगतने दो। अगर मुझे चोट पहुंचाई तो मैं तुमको मारूंगा। क्लीटस, ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये मुझे जानबूझकर जोर से मार रहा है फादर। हमारे बीच पुरानी लड़ाई है, ये उसी का बदला ले रहा है। एलेक्स, उसे जोर से मत मारना, सिर्फ नाटक करो। मुझसे अनजाने में ऐसा हुआ, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ध्यान रखोगे तो अच्छा होगा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि ड्रामा है, तुम्हें काट कर रख दूंगा। हाँ ठीक है, चलो रेडी। यहूदियों के राजा हो या आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। मुझे नहीं लगता इस आदमी ने कोई अपराध किया है। सही कहा। आप लोग सब इसे ये कहकर मेरे पास लाए कि इस आदमी ने अपराध किया है। आपने जैसा बताया वैसा मुझे इसके खिलाफ एक भी अपराध नजर नहीं आया। बिल्कुल निर्दोष है। तुमने ऐसा क्या अपराध किया है? मैं तो इस दुनिया में सिर्फ सच्चाई के लिए गवाह बनकर आया हूं। तुम सिर्फ ईमानदार बनो तभी मेरी आवाज सुनोगे। सर, सर।
उसे अरेस्ट कीजिए सर। आप ही हमारे जीसस हैं। सबकी रक्षा कीजिए ना। थैंक यू सर। नमस्कार फादर, आप इस प्रोग्राम को शानदार बनाई। मैं अपने परिवार के साथ इस शो को देखने जरूर आऊंगा। वैसे आपको प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं कुछ भी। अगर आपको पुलिस की जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन कीजिएगा। हाँ फादर, मैं तो बस यूं ही आ गया था यहाँ पे। सुनकर मैं चलूं? अच्छा लगा। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ आकर भी आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? उसका रूप देखकर मैं उसे अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं कर पाया। हा? अगर उसे अरेस्ट करना जरूरी है तो उसकी दाढ़ी और बाल काटकर उसका रूप बदलकर उसे मेरे पास ले आओ, मैं अरेस्ट कर लूंगा। दिल जो चाहे वो करो। चलो भाई चलो। अरे सर 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 जीप सर रुकिए सर। जीसस तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मोहन। क्या आप सच में जीजस हैं? सुनो बेटा यहाँ आओ। क्या मंजुनाथ, उंगली दिखाकर तुम जीजस की नकल कर रहे हो? मैं जीजस की नकल नहीं कर रहा हूँ। कल रात को जब मेरी बीवी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था तब मेरी उंगली दरवाजे में फंस गई थी। लेकिन उसने तुम्हें घर से क्यों निकाला? इसलिए कि वो मुझ पर शक करती है। वो हमेशा कहती है कि मैं लड़कियों के बीच में ही बैठा रहता हूँ। सॉरी, अब बताओ मैं क्या करूँ? वो नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों से बात करूँ। तो ठीक है, तुम हमारे साथ स्टेज पर ही बात करो। हाँ, दुनिया को लगता है कि मैं और मेरी बीवी एक दूसरे के लिए बने। हम एक ही प्लेट में खाते हैं, एक ही बिस्तर में सोते हैं। लेकिन क्या मतलब हुआ उसका? तुझे इसका मतलब समझना है ना, तो पहले थोड़ा सा और बड़ा हो जा, तब समझा दूंगा तुझे है का मतलब जानना चाहता है ये। देखा? घर आओ फिर मैं बताती हूँ तुम्हें। आज तो हो गई मेरी है। ओके ओके। गाड़ी रोको। चलो यहाँ से। जी सर। लगता है बहुत बड़े हो गए हो, मामला सीरियस है। अरे सुनो। हाँ बोलिए। तुम ही बताओ क्या करूं। अरे बोलो बोलो, कोई तो आइडिया दो। अरे ये भी कोई सीरियस मैटर है क्या? ऐसा कौन लड़का होगा जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है? ओहो, न्यू जनरेशन। हाँ, तुम चुप क्यों हो, बोलो। ये कह रहा है कि ये उसे भूल नहीं सकता। ओह, माँ भी साथ है। फिर इंतजार किस बात का? तो फिर जल्दी से इसकी शादी करवा देते हैं, क्या बोलते हो? ठीक है। अगर आज के बाद तुम रिहर्सल कैंप गए तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे इकलौते बेटे हो। यहाँ सब अच्छे घर की औरतें हैं, तुम जरा तमीज से नहीं बैठ सकते हो क्या? वो ऐसा है क्या? लो धोती खोल देता हूँ। अब बताओ क्या करना है। ईश्वर, कोई ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? कितना बेशर्म आदमी है,
पर जब मैं जीसस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे इसका ही चेहरा दिखाई देता है। तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, भाड़ में गया तुम्हारा ड्रामा। भले कपड़े उतार। पापा, अरे पापा, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मैं भूल जाऊंगा कि आप फादर हैं। आप अच्छे परिवार के लोगों को गलत रास्ते पर भटका कर ये शो कर रहे हैं। मर्दों को जाल में फंसाने के लिए तुमने अपनी बेटी को डांसर बनाया है। जबान संभाल कर बात करो, कैंप में इस तरह की बातें मत करो। अगर आपने इसे कैंप में एक्टिंग करने दी तो ना ही ये कैंप रहेगा ना ये शो होगा। चलो यहाँ से, चलो। अरे लेकिन लेकिन चलो। पापा मेरी बात तो सुनिए। चल चल गाड़ी में बैठ। पापा वो लोग कितने गलत तरीके से पेश आ रहे थे। हैं? बोलो बेटा। मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। हाँ हाँ। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया। लक्ष्मी, मैं यहाँ पर तुम दोनों को अपने साथ लेने आया हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। अब मैं किसी भी तरह जी लूंगी। दोबारा मुझसे मिलने मत आना। लोग सही कह रहे थे, तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है ना। अंजाम भुगतना होगा तुम्हें। सिस्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। आपका प्रॉब्लम आपस में सुलझ गया, इसलिए मैं बीच में नहीं आया। चलिए। चलो। क्लीटस, मैंने तुम्हें हरा दिया। तुम मुझे हरा सकते हो? क्यों नहीं हरा सकता? भाई! हैं? सिस्टर को रास्ते पर रोककर किसी ने धमकी दी। मुझे तो लगता है वो उसका पति था। भाई कौन था और उसने धमकी क्यों दी? हाँ, अरे आखिर तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो उसका पति ही था। उसने रास्ते में रोका ना, इसीलिए इतने गुस्से में लग रही है। Thank you.
अरे क्लीटस, एक बात बताओ तुम्हें, हम लोग जब रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे तब उस समय इसका मुंह देखने लायक था। हाँ। और वैसे भी वो शादी के खिलाफ होता तो भी क्या करता, इनकी शादी तो वैसे भी हो चुकी है। हाँ, और अब वो अपने बेटे को धमकी बिल्कुल नहीं दे सकता। वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, चलो इनकी शादी तो हो गई। क्लीटस, कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था। ये किसी को बताकर करने वाला काम नहीं था, सबको खुश रहना चाहिए मास्टर। वैसे आपको डरने की जरूरत नहीं। आप क्लीटस को बता दीजिए कि आप उस डीएसपी के बारे में नहीं जानते, अब तो हम में से कोई भी स्टेज पर जाकर एक्टिंग नहीं कर पाएगा। भाई हमारी गाड़ी आ रही होगी, हम लोग जाएं क्या? हाँ तुम लोग जा सकते। मंजुनाथ, हम किसी और दिन जरूर आएंगे, शादी का खाना जरूर खिलाना। मैं जिंदा रहा तो शादी का खाना खिलाऊंगा। नहीं, जोश से नहीं होश से काम लो। उस क्लीटस के खिलाफ सोच समझ के कुछ करना पड़ेगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर हमने कुछ किया तो हम लोगों का भांडा फोड़ देगा, और ये मीडिया और अखबार वाले तो ऐसी ही सनसनी खबर का इंतजार करते हैं। उसका मामला क्लोज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम अपने दुश्मन को नहीं छोड़ सकते, ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसके रिहर्सल कैंप में आग लगाकर सब कुछ खत्म कर दूंगा। चलो आ जाओ, देखते हैं उसे। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तेरी तो रुक जाओ, मैं इस कमीने को, मैंने कहा ना रुक जाओ। अब इन्हें जाने दो सर, मुझे तो लगा वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया सर। आपके बेटे ने अपनी प्रेमिका से शादी कर ली, आप पर आसमान टूटकर गिरने वाला नहीं है सर। आपने भी तो अपनी पत्नी से इसी तरह शादी की थी, तो फिर बेटा क्यों नहीं बाप की तरह करेगा? जाने दीजिए सर। और मैं नहीं चाहता था कि आपके ये भाड़े के टट्टू वहां आकर कोई तमाशा करें। आपको जो भी करना है वो आप इधर ही कीजिए, वहां आकर उन्हें परेशान मत कीजिए। वो मेरा इकलौता बेटा है, तुमने मेरी बेइज्जती की है, और मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा। वक्त का इंतजार करो, अभी तुम जाओ। मुझसे बदला लेने के बारे में मत सोचना सर। क्या है कि आजकल मैं बहुत शरीफ हो गया हूँ, क्राइस्ट का रोल कर रहा हूँ ना सर। सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे किसी भी बात का डर नहीं, सिर्फ एक ही बात का डर है कि कहीं मैं पुरानी बातें खोल दूंगा तो आप जेल चले जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मैं पुरानी बातों को भूल जाऊँ। चलता हूँ सर, क्या है कि मेरे क्लाइमेक्स सीन का वक्त हो गया है। क्या कहा? तुम्हें उस बड़े आदमी का सर चाहिए? तुम उसे कुछ और भी मांग सकती हो, जैसे कि हीरे, मोती, जवाहरात वगैरह वगैरह। मुझे जो चाहिए था वो मैंने बता दिया है, मुझे उस योहान का सर चांदी की थाली में चाहिए। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। उसे मारने के लिए उसे वादा मत करो, योहान का सर नहीं मिल रहा है। क्या? उसका सर नहीं मिल रहा है? उसका सर आखिर गया कहाँ? फादर अभी यहाँ नहीं है, हमारा नसीब अच्छा है। ये बताओ वो सर किसने रखा था? मैंने तो इसी तरफ रखा था मास्टर, कहीं कोई कुत्ता तो नहीं लेकर चला गया? वो कोई मछली का सर नहीं जो कुत्ता लेके चला जाएगा, वो योहाना का सर है। चलो मैं उसे ढूंढता हूँ। क्लीटस, तुमने योहाना का सर लिया क्या? किसका? योहाना का। मुझे इस केस का भी गुनहगार ठहरा रहे हो? मैंने नहीं लिया। आखिर ये सर गया कहाँ होगा? शायद शेविंग करने के लिए चला गया। मुझे दो ना, वो सर मुझे दो। मैं नहीं दूंगा। दो ना। नहीं दूंगा। रुको, मैंने कहा ना रुको, मुझे दो, मुझे दो। इसके साथ कोई खेलता है क्या? मुझे दो। अरे कहीं कौवा तो लेके नहीं उड़ गया उस सर को, पता नहीं कहाँ गया। लो मिल गया। तो फादर आप सर को लेके गए थे प्रेयर करने के लिए? लेके गए? चुप रहो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसे संभाल कर रखो, ड्रामा शुरू होने के पहले इसे फिर से मत खो देना, ले जाओ। लगता है इसे अब लॉकर में रखना पड़ेगा। मेरी माँ को छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए। पास आए तो जान से मार डालूं। क्लीटस, मार डालो। क्लीटस, छोड़ो, इधर मार, चलो, चलो, कहाँ है? छोड़ो, पीछे हटो, छोड़ो से, पीछे हटो, मार दे दोस्तों मुझे, छोड़ो से, चलो क्लीटस यहाँ से, पीछे हटो, कह रहा हूँ मैं, छोड़ो, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसमें हिम्मत है तो मुझे मार डाले दो, नहीं तो उसे पुलिस से करवाने दो, छोड़ो, हटो, हटो, क्या हुआ, क्या हो रहा है यहाँ?
ये शराब पीकर इतनी रात मेरे घर में घुस गया था। मैंने आपसे कहा था ना मैं कहीं चली जाती हूँ। अरे तो चली जाओ ना, मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा ले। ये क्या करने जा रहे हो, चुप रहो। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया लेकिन तुम समझते ही नहीं, अपनी मनमानी करते हो। इंसानियत तो है ही नहीं तुम में। तुम यहाँ आए हो ईश्वर का रोल करने के लिए, पर कर्म शैतान के हैं। बंद करो, बंद करो ये, अब और नहीं झेल सकते। अब हम ये प्रोग्राम ही नहीं करेंगे। इस वजह से जो नुकसान होगा, बेइज्जती होगी, मैं सह लूंगा। मैं इस बात के लिए चर्च और बिशप के सामने जाकर माफी भी मांग लूंगा। सुबह होने से पहले ही तुम सब यहाँ से चले जाओ। हम इस कला से अपना गुजारा करते हैं, ये हमारी रोजी है। हमारी कमाई बंद करवा कर अब तो तुम खुश हो ना? फादर, फादर, कल रात में उसके कमरे में उसे परेशान करने के लिए नहीं गया था। मैं उसे पहले से जानता हूं। कसम खाकर कहता हूं, मैं उसे 5-6 साल पहले से जानता हूं, मेरा यकीन कीजिए। हमारे एरिया की वही औरत है जिसने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की थी। अरे लकड़ियां और दो ना, हाँ, डालने के लिए इसमें। थोड़ा टेस्ट तो करो। लाओ देखता हूँ। मजा आया ना क्लीटस? मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? अरे इसमें दम ही नहीं है। क्लीटस क्या हुआ? चलो मेरे साथ। अरे ये सब क्या है सर? चलो सर, ये सब हम लोग अपनी रोजी रोटी के लिए कर रहे हैं। सब बाद में, अभी चलो साथ में। चलो सब, चलो सर। अरे सर, तुमने पुलिस कंप्लेंट की थी ना? चलो चलो बैठो, तुम्हें आने के बाद देखता हूँ। बेटी, तुमने पुलिस से क्लीटस को क्यों अरेस्ट करवा दिया ये तो बताओ। आप दिन भर उसके अड्डे पर शराब पीते हैं, इसलिए आपको दुख हो रहा है ना? मैं उधार से शराब लेके आता था, अब मुझे वो भी नहीं मिलेगी, क्या करूं? अरे आप बस भी करो, जाने दो उस लड़की को। अभी हमारा मस्ती करने का टाइम है, अभी भेज नहीं सकते हैं। ए बंद करो, जाकर ले जाओ सबको। क्या हुआ सर? चलो सब लोग जीप में बैठो। क्यों सर, हम तो खेल के बीच में हैं। उस लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई है। बहुत परेशान करती है वो। ये तुम्हें कहाँ से मिली? क्या नाम है लड़की का? लगता है लड़की आपको पसंद है, इसीलिए नाम पूछ रहे हैं। चलो चलो आ जाओ। नमस्ते सेक्रेटरी साहब, मेरा काम टाइम से खत्म हो जाएगा ना? अगली कमेटी बनने दीजिए, मैं ये काम पूरा करवा दूंगा। नमस्ते, कैसे हैं आप? ये मेरी शादी का इनविटेशन है, जरूर आइएगा। जरूर आऊंगा। ओके, ये कितने का है? अरे सुनो, देखो दुल्हन उधर है। हाँ?
मुझे मत मारो क्लीटस प्लीज। उस लड़की ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट दी थी, उसके बाद मैं उससे बहुत नफरत करने लगा। कौन है पिताजी? आप हैं? मैं तुम्हें कुछ बातें बताना चाहता हूं। सबके सामने वो शरीफ आदमी बनता था, लेकिन जानती उसने क्या किया? उसके पास मदद मांगने आई एक मासूम लड़की से उसने रेप किया। देखा ना साहब, उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया। एक लड़की की इज्जत जब लूट जाती है, तब उसे कैसा लगता है वो तुम्हें भी पता चलना चाहिए। जिंदा है या मर गई है, तुम यही देखने आए हो ना? क्यों एक एक लड़की की इज्जत लूट जाती है तो क्या तुम बदला लेने के लिए दूसरी लड़की की इज्जत लूट लोगे? उस वक्त मैं अंधा हो गया था। आप चाहें तो मैं उससे क्या? ऐसा लगता है कि तुम उससे शादी करने के लिए आए हो, बोलो ना। तुम्हें क्या लगता है जिस लड़की के साथ तुमने रेप किया उसके साथ शादी कर लोगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, चले जाओ यहाँ से। आगे चल के तुम भुगतोगे जरूर। याद रखना, मेरे दिल की हाय है। तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके उस शराब का मुझ पर असर पड़ा और ये बात मेरे दिल में छुपती रही। उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो सबसे कहती है उसका पति अभी इस दुनिया में नहीं है। फिर उस मर्डर की वजह से मैं जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद मैं उससे मिलने उसके घर गया, लेकिन बदनाम हो जाने की वजह से वो उस एरिया को छोड़कर कहीं चली गई थी। मैं उसे ढूंढते हुए जिधर भी जाता था वो वहां से चली जाती थी। मुझे पता था कि वो यहां है, इसीलिए ड्रामा में काम करने के लिए मैं तैयार हो गया फादर। और फिर अपने बेटे से मिलने के लिए एक रात मैं उसके घर पर गया। कल रात मैं उसके कमरे में सिर्फ यह कहने के लिए गया था कि वो पुरानी बातें भूल जाए। कोई ऐसा नहीं जो गलती ना करे, पर एहसास होने के बाद जब एक इंसान उसे सुधारता है
तभी वो एक सच्चा इंसान बनता है। इन द नेम ऑफ द फादर सन एंड द होली स्पिरिट आमीन। फादर, मैं कसम खाकर कहता हूं अब मैं गुंडागर्दी नहीं करूंगा और ना ही किसी का मर्डर करूंगा। मैं किसी को परेशान भी नहीं करूंगा। हमारा शो मत रोकिए फादर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही वो ड्रामा शानदार होगा। जीजस ने जेरूसलम के लिए अपना सफर शुरू किया। वहां वे जेरूसलम के चर्च में गए। चर्च को अपवित्र बनाने वालों को और उसे बिजनेस की जगह बनाने वालों को जीजस ने उन्हें वहां से भगाया। ये मेरे पिता का पवित्र मंदिर है, तुम लोग इसे बिजनेस की जगह बना रहे हो। इस बोर्ड पर लिखा है ये प्रार्थना की जगह है, लेकिन तुम लोगों ने इस जगह को अपने बिजनेस का अड्डा बना लिया है। निकलो यहां से, चलो निकलो। इस तरह जीजस लोगों के साथी बन गए और सब उनकी इज्जत करने लगे। चर्च के प्रीस्ट और राजा के आदमी उनकी हत्या करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उन्हें जनता से डर था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ बर्दाश्त करोगे, क्योंकि अभी तुम जीसस हो। इस रनिंग शो में ही मैं तुम लोगों की बेइज्जती करवाऊंगा। गुंडा एक्ट के तहत मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं। सारी जिंदगी जेल में ही कटेगी। इसे मारो और जीप में बैठाओ। ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, क्या चल रहा है ये? चलो हटो, पीछे हटो, छोड़ो उसे। क्या कर रहे हो तुम लोग? उसे कुछ मत करो, मैं कहता हूँ उसे छोड़ दो, छोड़ो, हट जाओ। फादर, आप उसे छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हो? हमारा शो चल रहा है, रुकिए। क्लीटस, हमारा शो रुकना नहीं चाहिए। इन सबके अच्छी तरह पिटाई करो। हाँ।
अगर मैं पहले वाला क्रेटस होता तो मैं तुझे यहीं पर मार के गाड़ देता, लेकिन मेरे इस रोल ने मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना और माफ करना सिखा दिया। शो खत्म होने के बाद मैं कहीं भी चलने को तैयार हूं। शो खत्म होने तक हमें मत रोकना। मेरी बात सुनो, मैं तुम लोगों को एक सच्ची बात बताता हूं। तुम लोगों में से ही कोई एक मुझे धोखा देगा। ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हमें से कोई धोखा देगा?
रुको उसे। रुको उसे। कौन हो तुम? ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? छोड़ो। क्लेटस, आगे बोलो क्लेटस। मुझे मेरे पापों की सजा मिल ही गई। अरे जल्दी से कोई कार लेकर आओ। अभी तक वेंटिलेटर पर है। दो दिन हो गए अभी तक वो होश में नहीं आया है। डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कह पा रहे। सबको उसके लिए प्रे करने को कह रहे हैं। नहीं, क्लेटस को कुछ नहीं होगा। वो वापस आ जाएगा क्राइस्ट की तरह। तीसरे दिन वो वापस जरूर आएगा। शो शानदार था।